कहा गया भाई ग्रीन चाय है, मेरे को तो पी के मजा ही आ गया। अरे वारे वाह, क्या चाय बनाई है, दिल एकदम खुश कर दिया आंटी चाय ने। जो आंटी से हम चाय मंगाते हैं, चाय बढ़िया आती है। वैसे तो बहुत सख्त है दिल, कमबख्त चाय के नाम पे पिघल जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर, मैं हूँ आपके साथ आरती बंसल। आप सभी का स्वागत है टॉप 10 चाय वाला इन फरीदाबाद। इसी कड़ी पे आज हम मौजूद है फरीदाबाद की शास्त्री कॉलोनी में। वैसे तो हमने सुना ही है चाय वालों को, आज हम बात करेंगे एक चाय वाली से। मेरे साथ मौजूद है दलजीत कौर जी, आज हम इन्हीं से पूछेंगे कि ये चाय किस प्रकार बनाती हैं और इनका जायका चाय में कैसे डालती हैं कि लोग क्योंकि दिल जान तक इनका चाय का स्वाद छाया हुआ है। मेरा नाम दलजीत कौर है, मैं यहाँ 4 साल से चाय बना रही हूँ। दिन में कम से कम 400-500 चाय मेरी चली जाती हैं, जिसकी मेरी बिक्री होती है। और हमारी चाय में ये है कि हम लोग चाय अपने बिल्कुल शुद्ध दूध से साफ़ सुथरी बनाते हैं। उनमें पानी का तो सिर्फ उतना ही डालते हैं जितना कि हमें ज़रूरत हो, बाकी उसमें हम अदरक लौंग इलायची वगैरह डाल के जायके की चाय बनाते हैं। हम लोग पानी बहुत कम उस चाय में मिलाते हैं, ज़्यादातर चाय जो हमारे दूध की ही होती है। और जो हमारे कस्टमर आते हैं, जो पी के जाते हैं, वो दोबारा ज़रूर आते हैं हमारे पास चाय पीने के लिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं 60 साल की महिला किस प्रकार मेहनत से दिन रात लग के अपनी दुकान चला रही हैं, दुकान के साथ ही अपना घर बार दोनों ही संभाल रही हैं। आप एक चाय का जायका आप लोगों ने लिया है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बारी मेरी दुकान पर आएँ और मेरी चाय का जायका लें, उसे पी कर देखें। मेरे को इस बात की गारंटी है कि आप अगर एक चाय पीते हो तो उसके बजाय आप 2 चाय पी के जाएंगे। और मेरी दुकान शास्त्री कॉलोनी में बिल्कुल बांके बिहारी मंदिर के सामने है। मेरी दुकान का नाम अमन कन्फेक्शनरी एंड आइसक्रीम है। तो आप लोग एक बारी आएँ, मुझे सेवा का मौका दें।